निशन इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में आज लगातार तीसरे दिन सुधार हुआ है। दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी सांस लेने लायक हो गई है। दक्षिणी पूर्वी हवाओं ने देश की राजधानी को प्रदूषण से राहत दिलाई है। हवा की दिशा बदलने के कारण दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में कमी दर्ज की गई है। हवा के सुधरते ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण लगे प्रतिबंधों में भी ढील दे दी गई है। ग्रैप 4 की सख्त पाबंदियों को हटा लिया गया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण लोगों को बीमार कर रहा है। लोग साफ और स्वच्छ हवा लेने को तरस रहे हैं। दिल्ली सरकार ने बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी कर दी है। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर बन चुकी है, तो वहीं एनसीआर में भी हवा जहरीली बनी है। तमाम इलाकों में हवा की गुणवत्ता बताने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 367 रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली से सटे हरियाणा, गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण से इमरजेंसी जैसे हालात है। लोगों को इस वक्त सांस लेने में कठिनाइयां हो रही है, जिसकी वजह से स्कूलों को लगातार बंद करने की मांग की जा रही है। वही काम करने वाले कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की मांग है। इस गंभीर एयर पोल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में हमें हस्तक्षेप करना होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुनवाई करने को तैयार हो गया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एनसीआर और केजरीवाल को क्या आदेश जारी करती है, जिससे कि प्रदूषण का समाधान निकल सके। और भी खबरों से जुड़े रहने के लिए नेशन इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें।